फ्रेंड्स, आपने मैदे के समोसे, आटे के समोसे सब तो खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे बची हुई रोटियों से कैसे आप समोसे बनाएं। यहाँ पर हमने 4 से 5 बॉईल आलू ले लिया है, इसको बारीक तोड़ लिया है, जैसे समोसे के आलू होते हैं। यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च ले लिए, काट लिए। यहाँ पर हम पैन चढ़ाते हैं और यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच हमने ऑयल डाल दिया है। रिफाइंड ऑयल डालिए या मस्टर्ड ऑयल डालिए, कोई भी डाल सकते हैं आप। और यहाँ पर हमने हींग डाल दिया है, जीरा डाल दिया है 1 चम्मच, और यहाँ पर हम डाल देते हैं सौंफ जो होती है मसाले वाली, वो हमने डाली है। और यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल देते हैं 1 चम्मच। और यहाँ पर हमने जो अदरक और हरी मिर्च बारीक काटी थी वो डाल देते हैं। और सबको खूब अच्छे से तेल के साथ भून लेते हैं थोड़ी देर। और अब हम क्या करेंगे, जो हमने आलू तोड़े थे वो हम इसमें डाल देंगे। भाई, हम लोग के घर में रोटियां बच जाती हैं। भाई, मॉर्निंग में हमने बनाई थी और वो शाम को 2-3 बच गई, तो अब शाम के इवनिंग स्नैक्स में क्या चाहिए, तो हमने सोचा कि लाइए इसके समोसे बना लेते हैं। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप यकीन मानिए बहुत अच्छे समोसे बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। और यहाँ पर हमने स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, लाल मिर्च डाल दी है, काली मिर्च हमने डाल दी है, सब आधी आधी चम्मच डाली है हमने। और यहाँ पर हमने धनिया पाउडर डाल दिया है 2 चम्मच के करीब, जो मसाले वाली धनिया पाउडर होती है, क्योंकि हमने काली मिर्च भी डाली है, लाल मिर्च भी डाली है, इसलिए हम गरम मसाला यहाँ पर नहीं डाल रहे हैं। बाकी तो आपको कोई भी मसाले आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर भूनने के बाद हम धनिया की पत्ती डाल देंगे, कोरिएंडर सीड। और यहाँ पर हम थोड़ी देर भूनने के बाद हमने प्लेट में निकाल लिया है, ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अब हम क्या करते हैं, अपनी रोटियाँ निकाल लेते हैं। जो मेरे पास 3 रोटियाँ बच गई थी, तो अब क्या करना है भाई इन रोटियों का, तो हमने सोचा देखते हैं समोसे बना के ये कैसे बनते हैं। और आप इसको प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा, आपने ट्राई किया है। इसको हाफ ऑफ कर लेते हैं, रोटी आपकी जिस साइज़ में हो उसको हाफ कर लीजिए। छोटी बनी हो तो भी हाफ कर लीजिए, बड़ी बनी हो फिर भी हाफ कर लीजिए। ये देखिए, हमने पिज़्ज़ा कटर से या चाकू की सहायता से बिल्कुल हाफ कर लीजिए। 6 हो गए हैं हमारे इस तरीके से। आप एक साइड में इनको रख देते हैं। और अब हमने क्या किया, मैदा हम लेंगे, जैसे आम समोसे में हम इसका लेप लगाते हैं, तो मैदा ले लिया 1 चम्मच, 2 चम्मच इसमें पानी डाल के हमने एक लेप बना लिया इसका। अब हम इस तरीके से रोटी को फोल्ड करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज़। ये देखिए, जैसे हम समोसे बनाते बस वैसे। और अब हम क्या करेंगे, इसके कॉर्नर्स पे बहुत अच्छे से हमें मैदे का ये लेप लगाना है, ताकि और थोड़ी देर के लिए हमें इसे पकड़े रहना है। ये आप मत सोचिएगा कि आपका ये चपकेगा नहीं, हाँ ये कि थोड़ा सा आपको पकड़े रहना पड़ेगा, ताकि बिल्कुल अच्छे से ये चपक जाए। नो डाउट तुरंत चपक जाता है ये देखिए। और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका बिल्कुल नहीं खुलेगा। और ये आप टूथपिक की सहायता से भी इसको बंद कर सकते हैं, अगर आपको मैदे से नहीं करना है तो टूथपिक यहाँ पर लगाइए, ये बंद हो जाएगा। पर मैदा हम सजेशन देंगे कि आप मैदे का घोल लगाइए। और अब हम क्या करते हैं, स्टफिंग हमें बहुत अच्छे से भरना है, तभी आपके समोसे क्रिस्पी अंदर से अच्छे से खाने वाले बनेंगे। यहाँ पर कुछ भी आप भर सकते हैं, आपके पास राइस बचा हो उस वो कर सकते हैं, फ्राइड राइस भर के समोसे बना सकते हैं। ये हमको चारों तरफ फिर हमें मैदे का घोल लगाना है। और ये आप ध्यान रखिए कि थोड़ा गाढ़ा रखना है मैदे का घोल हमें, और ये पकड़कर थोड़ी थोड़ी देर तक चकाते रहना है, छोड़ना नहीं है इसको तेज़ी से। ये देखिए, और फटाफट ये देखिए चपक जाता है, तुरंत हाथ को हटाना नहीं है, है ना बढ़िया। ये देखिए, और इसको आप बनाकर सब एक साथ रख लीजिए, आपके पास जितनी भी रोटियां हैं। और अब हम ये आपको और बता देते हैं, एक बस ऐसे फोल्ड करिए। फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल नई चीज़ है। और आप जो बची हुए सामान होते हैं तो उसको हम लोग हटा देते हैं,
लेकिन उसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। तो प्लीज़ हमारे घर में तो सबने इसको बहुत लाइक किया, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए बना के कि आपके घर में सबने लाइक किया या नहीं। अगर लाइक किया तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये समोसे कैसे। फिर इसी तरीके से हम कर लेंगे, ये देखिए बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। एक्स्ट्रा मैदा आप निकाल दीजिए, और हमने यहाँ पर ऑयल चढ़ा रखा है, ये देखिए। अब हम उसको लो टू मीडियम में, पहले हमको तेज गरम कर लेना है ऑयल को, फिर मीडियम आंच पे हमें इसे करना है, और तुरंत हमें इसको नहीं पलटना है। एक मिनट तक हो जाए, मतलब एक साइड में थोड़ा सिक जाने के बाद ही हमें इसे टच करना है, और इसमें कोई भी ऑयल नहीं भरता है। आपका अच्छे से आप चपकाएंगे तो वो खुलेगा नहीं, और इस तरीके से सिकने के बाद हम एक बटर पेपर ले लेंगे या नैपकिन कुछ भी आप लगा लीजिए प्लेट में निकालने से पहले, ये देखिए। और इतने क्रिस्पी ये बनते हैं कि बिल्कुल आवाज़ आती है इसमें से, इतने बढ़िया सिक जाते हैं, ये देखिए। हमारे पास इस समय नैपकिन नहीं थी तो हमने ये बटर पेपर था तो हमने उसमें निकाल लिया। आप कुछ भी नहीं रखिए, आपके पास नहीं है तो ऐसे भी आपका ऑयल नहीं भरेगा, और ध्यान रखिए जिस साइड से आपने बंद किया है उस साइड से आप तेल को निकालिए कढ़ाई से, ये देखिए। ये हमारे दो बन गए, इस बीच हमने और तैयार करके रख लिए थे, अब हम ये देखिए फिर डालते हैं दो दो करके। और फिर मैं आपको एक टिप बताऊंगी कि आप ऑयल उतना ही डालिए जितना आपका एक बार में हो, ये देखिए कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है, बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। तो बनाइए चाय इवनिंग में और ये समोसे, अगर आपके घर में रोटियां बची हैं, और नहीं भी बची हैं तो आप बना के तुरंत इस तरीके से समोसे बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है।